हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गैबी दोनों दीन में खेलूं दोनों माही। कबीर के ही उन दोहों में से हैं जो ये बताते हैं कि वो किस तरह से धर्म से परे थे। खादिम साहब हैं हमारे साथ, खादिम अंसारी साहब, ये बताइए कि जब अभी की बात हो रही है, प्रबंधन और प्रबंधक, क्या व्यवस्था है और क्या स्थिति है यहाँ पे? व्यवस्था जो है ये सरकारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन जिस तरह से संत कबीर नगर जिला उपेक्षित है, उसी तरह से इस मगहर कबीर स्थली पे मैं भी उपेक्षित हूँ। यहाँ सर छुपाने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जबकि जो जिस पे मैं बैठता हूँ चटाई वो अंदर रखनी पड़ती है, इबादत की जगह पे मस्जिद मंदिर में वो सब चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, मजबूर होकर मुझे उसमें रखना पड़ता है। यहाँ पे लोगों का पैर जलता है, ठंडक में ठंडक पड़ती है, यहाँ एक मैट भी मैं नहीं बिछा सकता हूँ, उसको बिछा के रखेंगे कहाँ सुबह में शाम में। अगर हम इतिहास की बात करें तो मगहर की क्या महत्व है और क्यों कबीर साहब वाराणसी से यहाँ आए? मगहर 1518 में कबीर साहब कराची से मगहर में आए, और लाने वाले हमारे ही पूर्वज नवाब अली बिजली साहब थे, जिनकी कब्र यहाँ बगल में बनी हुई है, वो लाए और सूखा पड़ा हुआ था, उस सूखे को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यहाँ मगहर की उदासीनता को ख़त्म करने के लिए कबीर साहब को मगहर में लाया गया, और हमारे ही पूर्वज लाए थे, उन्हीं के वंशज हम हैं जो आज भी मुतवल्ली यहाँ हैं। कबीर साहब की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सबसे प्रिय हैं और क्यों? कबीर साहब की सबसे अच्छी बातें हैं मेल मिलाप की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, ना हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना ही, गैबी खेले माह में दोनों दिन में माहे, इस तरह की बातें हैं। और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब किसी के बुराई नहीं करते थे, और ना किसी से दोस्ती थी ना किसी की दुश्मनी थी, वह एक ईश्वर को मानते थे, एक अल्लाह को मानते थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक ईश्वर में उनका विश्वास था, वो इंसानियत के पुजारी थे, और इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का उनका परम कर्तव्य था। आज की राजनीति में कैसे देखते हैं? आज की राजनीति में कबीर साहब की आज की ज़रूरत है, कबीर साहब को आने की और उनके विचारों की। लोग कबीर को तो मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते, जब तक कबीर की वचनों को ना उनकी बाड़ियों को नहीं माना जाएगा, उन पर अमल नहीं किया जाएगा, सुधार नहीं पैदा होगा। कबीर को पूरा संसार मानता है लेकिन कबीर की मानने वाले बहुत बिरले ही लोग हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कबीर की बात दोहों में है लेकिन क्या उसे आज भी जीवान्वित किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संत कबीर नगर, ABP न्यूज़। ABP News, आपको रखे आगे।